बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ खाउसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता भी दूंगी अभी। इसमें हमने दही लिया है 1 कप, बेसन 1/2 कप लिया है, और टमाटो प्यूरी है, ये 4 टमाटर मैंने लिए थे, उसकी प्यूरी बना के रख ली थी ग्राइंड करके। 1/2 किलो हमने चिकन लिया है बोनलेस, और कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची 1 टेबल स्पून है। ये ऑयल है जिसमें मैंने गार्लिक और कुटी हुई मिर्ची डाल के बनाया है। ये बेसन था 1/2 कप, ये दही है देख लीजिए 1 कप, और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा है। ये अब हम स्पैगेटीज के लिए पानी बॉईल कर रहे हैं, उसमें मैंने नमक और ऑयल डाल लिया था, वो डाल के मैं बॉईल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया था और ऑयल भी 1 टेबल स्पून ही डाला था। ये बॉईल करनी है मैंने तकरीबन 8 मिनट या 10 मिनट तक, जब बस गल जाए सही तो उतार लेना है, ज़्यादा भी नहीं गलानी है इसको। अभी देखें आप ये किस तरह से हो जाएगी फिर निकल के, ये देखिए किस तरह से हो गई है ये स्पैगेटी, देख लीजिए हमारी शक्ल आ गई है पानी से निकालने के बाद ऐसी हो गई। अब आगे का देखते हैं प्रोसीजर, हमने जो करना है। देखें हमने बोल में दही डाला, अब हम बेसन भी 1 कप बेसन भी लेंगे इसमें डालने के लिए, छोटा कप है वो, समझ लें 1/2 कप बेसन होगा। ये हमने इसमें दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, पानी डाल डालकर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देख लीजिए इस तरह से कर रही हूँ मैं, आपने ऐसे ही करना है। एक बॉल मेरा ये पूरा पानी का लग गया था इसमें, इसी तरह आपने मिक्स करते जाना है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ये मिलाते जाएं। बहुत अच्छी लगती है ये डिश, बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद है। अब इसमें हमने रेड पेपर पाउडर जो है, रेड चिली पाउडर ये डाला है, 1 टेबल स्पून डाला था, सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून डाला है सॉल्ट, थोड़ा सा और डाल लीजिए जैसा आप टेस्ट के मुताबिक आपको जैसा पसंद हो। इसमें हम फिर मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, पानी डालकर ये अच्छी तरह से बिल्कुल यकजान हो जाए जैसे। थोड़ी सी मेहनत सी लगती है मगर चीज़ें अच्छी तैयार हो जाती हैं बनकर। अभी देखिएगा आप, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है मगर ये है कि बनता अच्छा है। आप ज़रूर देखिएगा, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल जाए, और इस तरह मुझे भी खुशी होगी कि चलें आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा चैनल। चलिए जी आइए अब तैयारी करते हैं इसको बनाने की, कढ़ी को। ये हमने ऑयल गरम किया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून राई दाना है, ये डालकर अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगी, थोड़ा कड़कड़ा लेंगे इसको, और इसके बाद हमने वो डाल देना है दही वाला जो हमने बैटर बना के रखा है ना, लस्सी टाइप का, वो डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा पक जाता है ना, अच्छी से खुशबू आने लग जाती है इसकी, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा पकाती हूँ इसको, कच्चे में नहीं करना चाहिए। आप बस इसी तरह मेरी रेसिपी को देख देख के आप बिल्कुल फॉलो करते जाएं, बस जो कुछ है बहुत टेस्टी बनेगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा।
देखिए आप, मैंने वो डाल दी है लस्सी, दही का यानी कि वो बेसन और दही का बैटर डाल दिया है, और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। पकना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ी देर से पकाना है हमने, तकरीबन समझ लें 10 मिनट तक पकाना होगा बस, और दरमियानी आँच पे हमने पकाना है। हल्दी भी मैंने डाल दी है इसमें, मैं वैसे भूल गई थी। अब हम एक पैन में ऑयल लेकर उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसे मैं गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी। इसमें मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और नमक डाला है मैंने ये भी 1 टीस्पून, ये कुटी हुई मिर्ची मैंने ली है 1 टेबल स्पून है ये। ये अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छा सा ज़रा पक जाए ये, तो फिर इसमें हमने ये चिकन डाल लिया है। इसमें आप बीफ भी डाल सकते हैं, बीफ का मिंस होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, चिकन मिंस भी डाल सकते हैं, मगर मुझे थोड़ा सा ऐसे अच्छे लगते हैं, चंक्स जो आ रहे होते हैं ना ये अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए इस तरह के डालती हूँ। आप लोग कर सकते हैं, बीफ का कीमा भी अच्छा रहता है इसमें, मगर मैं, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा बीफ, इसलिए मैंने डालती। ये मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है, 4 टमाटर लेके मैंने इसको करके रख लिया था ग्राइंड करके, ये डाल दिए मैंने। अभी ये भूनेंगे हम इसे थोड़ी देर, अच्छा सा हो जाएगा जब इसका कलर, तो फिर हम थोड़ा इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। अभी आँच कम कर देंगे, जैसे अभी तो पक रहा है सही, भून रहे हैं ना, इसकी स्मेल निकल जाए, इसलिए। ये हमने इसमें सॉस डाल दिया है, चिल्ली गार्लिक सॉस डाल दिया है हमने, ये भी मैंने 1/2 कप लिया था। अब हमारा सर्विंग का टाइम आ गया है, ये हो गया तकरीबन रेडी, तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमने एक प्लेटर में वो निकाल लिया है, पैटीज डाल दी हैं सारी, और इसमें अब हम ये कढ़ी जो बनाई थी वो फैला रहे हैं बिल्कुल ऊपर से। सब तरफ बिल्कुल बराबर से डाल दीजिएगा ताकि अंदर तक चली जाए बिल्कुल, और जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना आपने उसी हिसाब से सब डालनी है। ये वही चिकन जो है हमने पकाया है वो ऊपर से डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी डिश लगती है, मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, खासकर मेरे बेटे बड़े शौक से खाते हैं ये। ये मैंने ऑयल बनाया जो वो डाल दिया है ऊपर से, जैसे मैंने ऑयल में पहले लहसुन की कलियां छोटी छोटी काट काट के डाल दी थी, और फिर उसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची डाल दी थी ऑयल में, बस फिर मैंने उतार लिया था, वो मैंने अलग से बना कर रख लिया था, वो ऊपर से डाल दिया मैंने ये। और ये ग्रीन चिल्ली, मेरे ख्याल में ग्रीन चिल्ली सॉस है, तो ये मैंने ना कम डाला है, मर्ज़ी है आपकी, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको पसंद है तो आप ये डाल लीजिएगा। और ये हरा धनिया डाला है ऊपर से, हरी मिर्ची और चाट मसाला, और अभी हम ऊपर से फिंगर चिप्स या ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं इसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।